दोस्तों, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक न एक दिन सबको आना ही वाला है। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापे का शिकार बनना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं, तो बुढ़ापा भी उससे डर के उसके पास नहीं आएगा। चाहे कोई कितना ही ज्ञानी हो, धनी हो, सबके सारे के सारे हुनर धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसलिए इस जानकारी को सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस वृक्ष पर हजारों तरह के पक्षी विश्राम किया करते थे। कुछ पक्षियों का तो वो पेड़ स्थायी निवास था। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहता है तो मैं उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को बरगद के पेड़ से मोह हो गया था। लेकिन एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया था। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा था। जंगल के बाकी वृक्ष सूख सूख के मुरझा रहे थे। वह बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। सारे पक्षी धीरे धीरे छोड़कर उस जंगल को चले गए और उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया तो उसके पत्ते डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी। उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी उसको त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। लेकिन केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ पर अकेला बैठा रहा। उसने देखा कि पेड़ पर बैठने वाले सारे पक्षी एक एक करके जा रहे हैं। कुछ पक्षियों ने तो उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु उस गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन के सारे सुख इसी पेड़ ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसे इस विपत्ति में छोड़कर अकेले कैसे चला जाऊँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊँगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं और दूर किसी स्थान पर रहकर सुखपूर्वक जीवन व्यापन करते हैं और घर पर अपने परिवार वालों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे को सहारा नहीं बनते। सोचो कि जब तुम असहाय थे क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? क्या जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे? या तुम किसी संकट में पड़ गए थे क्या तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब वह चीज़ क्या उन्होंने तुम्हें छोड़कर अकेले खाई थी? आज वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ? बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस पेड़ का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते, वो पेड़ बिल्कुल जर्जर हो गया, उसे दीमक काटने लगी, लेकिन फिर भी उसे गिद्ध छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता, लेकिन शाम होने पर उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि काका अभी तक उसी पेड़ पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझा कर अपने पास बुला लाएं। और यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। वह कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे पेड़ पर बैठे रहते हो? इस पेड़ का जीवन अब खत्म हो चुका है। मरे के साथ मरना कहाँ की समझदारी है? ये पेड़ जर्जर हो गया है, दीमक इसे रात दिन खाए जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह भी गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी तरह तुम्हें भी इस पेड़ को छोड़कर किसी खुशहाली स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, सारे पक्षियों के समझाने पर भी वो बूढ़ा गिद्ध नहीं माना और उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा कि यह पेड़ मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी पेड़ पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी पेड़ पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी पेड़ पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी गुदगर्जी होगी।
मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर रहूंगा, आप लोग जाइए। गिद्ध की ऐसी बातें सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि भैया इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने फिर जाने से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, वे सीधा इंद्र के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई और कहने लगे, हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं उसमें कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है, पूरा जंगल सूखा है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम रहते थे उसी बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, लेकिन वो गिद्ध तो उस बरगद को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो पेड़ सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, लेकिन वह फिर भी उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं मरते दम तक इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए भगवान आप स्वयं चलकर उन्हें समझाइए, शायद आपके कहने से वो मान जाए। पक्षियों को निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। वे उस पेड़ को कहते हैं कि यह पेड़ बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो, किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। इंद्र की बात सुनकर वो गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर चले गए थे, मैं जब असहाय था तो मुझे इसी पेड़ ने पाल पोसकर बड़ा किया, मैंने इसी पेड़ पर रहकर सारे सुख उठाए हैं, मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ की छाया में बीता है, आज जब इस पेड़ पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषी का छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं मरते दम तक आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस पेड़ के साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, गिद्ध, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है कि हे भगवान, अगर यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस पेड़ को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए, मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन बचा है, मेरे बाद इसी वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी से रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया, उन्होंने पूरे जंगल में पानी बरसा दिया, सारा जंगल फिर से हरा हो गया, चारों ओर हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले गए थे वे फिर से लौटकर उस जंगल में आ रहे थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरा वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, अपनी माँ का और पिता का पालन पोषण करना चाहिए, उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत तकलीफ उठाई है, उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बनते हो तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।